बस जब उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? बाप और बेटे और रूहुल्कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम पाक जुमेरात सा मना रहे हैं और इस पाक जुमेरात को दो बड़े अहम वाकयात हुए थे। पहली बात तो ये थी कि यीशु मसीह फसा खाना चाहता था अपने शागिर्दों के साथ, और इस फसा पर वो यूक्रिस्त, जिसे हम पाक मास कहते हैं या जो सक्रामेंट यूक्रिस्त का है, उसकी इजाद की उसने, उसको हमारे लिए एस्टैब्लिश किया, बनाया। और सबसे बड़ी बात इस यूक्रिस्त में उसने ये समय समझाई कि तुम मेरी याद में ये किया करो, ये मेरी याद में किया करो। हम कई बातें अपने अजीजों के लिए या रिश्तेदारों के लिए करते रहते हैं और कहते हैं कि जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें याद आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे जज्बात में मैं रहूंगा, क्योंकि जब तुम ये करोगे। एकदम उसकी याद आती है। तो इसी तरह मसीह यीशु ने भी ये कहा कि जब तुम पाक सक्रामेंट, आज जो तैयार किया गया या आज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको तुम मेरी याद में करना। और ये सक्रामेंट, मोहब्बत का सक्रामेंट, इकट्ठे रहने का सक्रामेंट, कुर्बानी का सक्रामेंट है। और इसमें यीशु हमें बहुत सबक सिखाता है। पहली बात, वो हमें कहता है जब वो रोटी लेता है तो वो क्या कहता है, ये मेरा बदन। और जब शीरा लेता है, अंगूर का शीरा लेता है, रस अंगूर का लेता है, तो उनको लोगों उनको अपने शागिर्दों को देता है तो उनसे कहता है ये मेरा खून है। तो यीशु ने आपको क्या दिया, अपना आप दे दिया, अपना बदन दे दिया, अपना खून दे दिया। तो उसने फिर क्या कहा, मेरी याद में ये किया करो। तो जब हम हर इतवार को या खास मौकों पर पाक सक्रामेंट चढ़ाते हैं तो उस वक्त भी हम यही कहते हैं, याद तेरी याद में ये हम करते हैं। और लेते किसको है, मसीह खुदावंद। और जो बंदा इससे आरी रहता है, खाली रहता है, इस सक्रामेंट को लेता नहीं है, पाक शराकत को लेता नहीं है, वो कैसे कह सकता है कि मसीह मेरे अंदर है? उसके अंदर मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह ने ये सक्रामेंट इसलिए दिया कि तुम मेरा बदन, ये लो मेरा बदन और ये लो मेरा खून। तो जब हम उसको लेते नहीं हैं तो किस तरह हम कह सकते हैं कि मसीह हमारे अंदर है या मेरे पास रहता है, जब तक हम इस सक्रामेंट को लेते नहीं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कई लोग इस सक्रामेंट को लेना पसंद नहीं करते, कई तरह के बहाने तराशते हैं,
कई तरह के बातें करते हैं इस सक्रमेंट के बारे में, लेकिन ये वो सक्रमेंट है जिसे मसीह यसु ने खुद बनाया और बनाने के बाद एक हुक्म दिया कि तुम मेरी यादगारी में ये किया करो। अगर इतना अहम ना होता, इतना अहम ना होता, अगर इस सक्रमेंट की इतनी वैल्यू ना होती, इतनी कदर ना होती, तो मसीह यसु कभी भी ये ना कहता मेरी याद में ये किया करो। फिर वो दूसरे सादा तरीके से, ठीक है ये एक रस्म थी उस वक्त, उसने फसा खानी थी, फसा खाई और खत्म हो गया काम। लेकिन उसने उस सारी यहूदी फसा को, यहूदी जो इस फसा मनाते थे उनके हिसाब से बहुत चीजें उधर रखी जाती थी, कड़वी तरकारियां रखी जाती थी, मैर रखी जाती थी, 4 कप रखे जाते थे उस दौर के हिसाब से। लेकिन मसीह यसु ने 3 कप जो है वो उनके हिसाब से किए और 4th कप पे आके उसने सारा नजरिया बदल दिया। उसने उस कप को उठाया और अपने शागिर्दों को दिया और उनसे कहा, ये रोटी ली और उसने कहा, और उसके बाद कप लिया और उसने कहा, ये कप मेरे खून का प्याला है, अगरचे इसमें मैं है, अगरचे इसमें अंगूर का रस है, लेकिन ये मेरा खून है, आज के बाद ये प्याला तुमने पिया और ये मेरी याद में किया करो। उसने वो सारा सिलसिला खत्म किया और एक बात जो बड़ी उसने की, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। क्यों कहा, ख्वाहिश क्यों जाहिर की, कि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाऊं, इसीलिए इसको आखिरी खाने का नाम दिया गया, आखिरी खाने का नाम। इसके बाद थोड़ी देर के लिए एक सादा सी मिसाल लें, अपने तजुर्बे से बात करें कि दुख कितना बढ़ता है। ये देखो, हम में से कोई अगर, या आपकी फैमिली में से कोई अगर, बाप हो या बेटी हो या बीवी हो, बाप ये कहे कि ये मेरा आखिरी खाना है, कई लोग कोई उल्टी सी बात हो जाए ना अपने बारे में, दुखी बात हो तो एकदम उसका मुंह पकड़ लेते ऐसे, क्यों ऐसी बात ना कर, हम नहीं चाहते तू हमसे जुदा हो। अगर कोई बाप कहे जी कल मेरी मौत है, कल मैंने मर जाना है, आज मैंने तुम्हारे साथ आखिरी खाना खाना है, बीवी भी मुंह पकड़ लेगी, बच्चे भी मुंह पकड़ लेंगे, पापा ये क्यों बातें ऐसे करते हो, ऐसी बात नहीं करो, हमें छोड़ने की बात नहीं करो। लेकिन मसीह यसु ने भी यही कहा कि मैंने तुम्हारे साथ आखिरी खाना आज खाना है, मेरा आखिरी खाना है तुम्हारे साथ, इसके बाद हम बैठकर खाना नहीं खा सकते, बैठकर खाना नहीं खाएंगे। ये एक दुख था और फिर एक दुख के साथ सबने महसूस किया कि ये दुख है, शागिर्दों ने महसूस किया कि क्या खुदावंद आज कह रहे हैं, ये कैसी बातें वो कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और दुख यसु ने उस दिन जाहिर किया, एक दुख और जाहिर किया। क्या दुख था, वाह, तुम में से एक मुझे, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है, किसी गैर की नहीं बात कर रहा, कोई सिपाही नहीं आ रहा, कोई बाहर का और बंदा नहीं आ रहा, तुम जो 12 हो, मेरे अपने हो, मेरे साथ चलते रहे हो, मेरे साथ खाना खाते रहे हो, मैं तुम्हें हर बात बताता रहा हूं, राह रास्ते की बातें बताता रहा हूं,
राजों की बातें बताता रहा हूं। मेरी तालीम सारी की सारी तुम्हारे अंदर है। मैंने कभी तुम्हें किसी को धोखा देने की तालीम नहीं दी। मैंने तुम्हें प्यार की तालीम दी, बर्दाश्त की तालीम दी, फिक्रमंदी की तालीम दी, एक दूसरे की बर्दाश्त करने की तालीम दी, सब्र की तालीम दी। तुम्हें क्या हो गया? तुम में से एक मुझे पकड़वाए। शागिर्द उस्ताद को पकड़वा रहा है, शागिर्द उस्ताद को पकड़वा रहा है। वो आपस में चेमगोइयां करने लगे, वो आपस में चेमगोइयां करने लगे 12 के 12, क्योंकि यीशु ने अभी जाहिर नहीं किया था। यीशु ने अभी जाहिर नहीं किया कौन पकड़वाएगा। तो क्या सारे एक दूसरे से पूछते हैं, आखिर में यहूदा अक्सर युवती ने पूछा, क्या मैं हूं? क्या मैं हूं? यीशु ने कहा तूने खुद कह दिया। और सारों का ध्यान उसकी तरफ हो गया। और कलाम में यीशु फरमा रहा है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता। और यीशु मसीह एक और बड़ा दुखी जुमला कहते हैं, बड़ा दुखी जुमला, काश ये शख्स पैदा ना हो जिसकी वजह से आज मुझे ये सारा सफर करना पड़ेगा, इतना दुख उठाना पड़ेगा। पुलिस आकर पकड़ के ले जाती, मुझे तकलीफ नहीं होनी थी। फकीर और फरीसी आकर मुझे पकड़ कर ले जाते, मुझे मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। कोई और कोई पकड़ के आकर ले जाता पब्लिक में से, मुझे कोई दुख नहीं था। दुख इस बात का है कि मेरे 12 शागिर्दों में से एक ने मुझे पकड़वाया, मेरे अपनों ने मुझे पकड़वाया, किसी गैर ने नहीं पकड़वाया। यह यीशु मसीह का बहुत बड़ा दुख था। और इसकी वजह से वो कहता है काश वो शख्स ये पैदा ना होता। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने एक और अमल हमारे सामने उस दिन किया, और वो था उनके तकरार का जवाब। उनका तकरार क्या है? वो आपस में तकरार करने लगे, हम में से बड़ा कौन बनेगा, हम में से बड़ा कौन है। यीशु मसीह ने उनके तेवर भी देखे, उनकी बातों को स्मेल किया कि ये क्या आपस में चेमगोइयां कर रहे हैं, क्या आपस में चेमगोइयां कर रहे हैं। यीशु ने फिर उनको एक समझाने के लिए, असल रास्ता दिखाने के लिए कि बड़ा कैसे बनता है, बड़ा अपने कामों से बनता है। और वो काम क्या है, यीशु ने क्या किया? उसने अपनी वर्दी उतार के एक साइड पर रखी, शागिर्द बैठे थे, लिखा उसने पानी लिया, बासन में से पानी लिया, अपने शागिर्दों के पांव धोए, अपने शागिर्दों के पांव धोए। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, पांव धोना
यहूदी दस्तूर के मुताबिक गुलाम का काम होता था, नौकर का काम होता था। अगर उस घर में नौकर नहीं, अगर उस घर में नौकर नहीं तो बीवी का काम होता था कि अपने खामद के पांव धोए। बीवी का काम होता था जब कोई मेहमान आए, मर्द हो तो उसके पांव बीवी धोए। उस बंदे की बीवी मेहमानों के पांव धोती थी। यानी ये एक गुलाम का काम था या नौकर का काम था उस घर के कि वो पांव धोता था। तो यीशु मसीह ने जब पांव धोए तो एकदम वो शौक हो गए। उनमें से पतरस बड़ा शौक हुआ। पतरस ने कहा, ओ नो, तू नौकर नहीं है। मतलब उसका मतलब ये कहने का ये था, ये गुस्से थोड़ा सा बड़ा, ऐ खुदावंद, खुदावंद मीन मालिक, ऐ मालिक, ऐ रबी, उस्ताद, ऐ रबी, क्या तू मेरे पांव धोएगा, क्या तू मेरे पांव धोएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। अब नहीं तू जानता कि मैं क्या करने लगा हूं, बाद में तू समझेगा। समझाया क्या, कैसे समझाया यीशु ने, कैसे यीशु ने समझाया? जब उनके पांव धो चुका, जब उनके पांव धो चुका तो यीशु ने कहा, क्या तुम समझते हो? अब मैं आपसे भी सवाल करने लगा हूं, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या किया तुम्हारे साथ? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए तुम भी एक दूसरे के पांव धो, तुम भी एक दूसरे के पांव धो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। अगर तुम बड़े बनना चाहते हो ना, आपस में यही बात कर रहे थे, यही बहस कर रहे थे, यही तकरार कर रहे थे आपस में, हम में से बड़ा कौन होगा। तो बड़ा बनने के लिए यह बनना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए छोटा बनना पड़ता है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, अगर तुम बड़ा बनना चाहते, खुदा की बादशाही में बड़ा बनना चाहते हो तो खिदमत कर, सबसे छोटा बनो। इस जहान में छोटा बनो, अगले जहान में तुम्हें बड़ा बनाया जाएगा। खुदा की बादशाही में तुम बड़े होगे, आसमान की बादशाही में तुम बड़े होगे। दुनिया की नजर में बेशक तुम छोटे हो, लेकिन तुम बड़े बनाए जाओ। इसलिए ये यीशु मसीह ने नमूना दी और इस नमूने को आज तक लोग मनाते आ रहे, लोग मनाते आ रहे, चर्चेज में भी मनाते आ रहे हैं। और एक आपको बताऊं बात, मेरे तजर्बे में नहीं या मैंने अभी तक इस चीज को नहीं पढ़ा कि 2000 साल हो चुके इस रस्म को तकरीबन चले हुए, और 2019 में, 2019 में जब पाक जुमेरात आई, पांव धोने की रस्म आई, पांव धोने की रस्म आई, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी, सेनेटर वर्कर जो हैं, ये जो काम करते हैं बल्दिया में, 12 लोग बुलाए और उसने उनके पांव धोए। कोई मान सकता है? मोदी हो
वजीरे आजम हो, एक असाब का एक अरब की आबादी का वजीरे आजम हो, मुल्क का मालिक हो और झुक जाए आपके कदमों में, आपके पांव धोए, कितना बड़ा नमूना उसने यस्सू का दिया। उसने इस जुमे रात को यस्सू का एक बादशाह होते हुए, मजहबी लोग तो हम करते हैं क्योंकि हमें तो मजहब सिखाता है ये करो, ये अपने चर्चेस में करो, अपनी बरादरियों में करो, हम तो चलो एक मजहबी फरीजा समझ कर करते हैं, अगर हम बादशाह होते तो हो सकता ना करते, या बड़े रैंक पर होते हम ऐसा काम नहीं करते। लेकिन मोदी ने यह काम करके दिखाया और मसीह यसु की तारीफ की कि जिस तरह मसीह यसु ने किया आज उसी अमल को मैं भी करने लगा हूं। यह है सबक जो हम सीखना चाहते, हम बड़े हों लेकिन छोटा बनना भी सीखें, छोटा बनना भी सीखें। हमारे दिल में बड़ा बनने की ख्वाहिशें होती हैं, छोटा बनने की ख्वाहिश नहीं होती। हम बड़े से बड़ा बनना चाहते हैं, रैंक में बड़ा बनना चाहते हैं, ओहदे में बड़ा बनना चाहते हैं, इज्जत में बड़ा बनना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि मैं बड़ा हूं, मैं सरदार हूं, मैं कबीले का चौधरी हूं, कबीले का सरदार हूं, मैं छोटा बनना चाहता हूं? कोई नहीं बने, हर कोई इज्जत की सीट चाहेगा, इज्जत की सीट मिले। महफिलों में जाए तो पहले से सीट तैयार होती है, पहले से सीट तैयार होती है कि बड़े अफसर ने आना है या चौधरी साहब ने आना है या सरदार ने आना है, ये सीटें खाली कर दो, उनके लिए रिजर्व कर दी जाती। मजहबी खानों में चले जाएं, मजहबी तबके में चले जाएं तो पहले सीटें खाली रखी होती हैं, ये सीट बिशप की है, ये फादरों की है, ये पता नहीं किस किस, उनकी सीटें ला, नहीं 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 इधर नहीं आप बैठ सकते, इधर नहीं बैठ सकते आप, कोई सादा आदमी इधर बैठ नहीं सकते क्योंकि पहले ही रिजर्व किया। हम इज्जत को पहले ऊंचा देखना, छोटा नहीं बनना चाहते, और ये छोटा बनाने की आज यीशु मसीह ने खबर दी है कि इस जहान में तुम छोटा बनकर रहो तो अगले जहान में तुम बड़ा बन जाओगे। इज्जत खुदा की आंखों में रखो, बड़ापन देखना है तो खुदा की नजर में देखो कि खुदा तुम्हें कितना बड़ा बना रहा है। इंसान बड़ा बनाते हैं और साथ खींच भी लेते हैं, आपने देखा है ये कभी, बड़ा बनाते हैं और फिर खींच भी लेते हैं। आम मिसाल ले लो, कितने बादशाह, पाकिस्तान की मिसाल ले लो, वजीर आजम बनाते हैं तो कई दफा फिर दूसरे उसको खींच भी लेते हैं, नीचे आ जा नीचे आ जा, वो ही जो तख्त पर बैठा होता था वो जेल में, जेल के अंदर होता है, ऐसे ही है ना, वो जेल के अंदर होता है। मसीह यसु के साथ ये हुआ है। अभी हम इसी इतवार को क्या किया, यसु को अपना बादशाह बनाया, ऐसे ही है ना। यहूदियों ने भी जो उस वक्त यरूशलम में एंट्री हुई तो वहां के यहूदी लोगों ने यसु को बादशाह बनाया, खजूर की टहलियां, दरख्तों की टहनियां उसके पांव कदमों के नीचे रखी, अपने कपड़े उसके कदमों के नीचे रखे और खूब नारे लगाए, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदामंद के नाम से आता है, दाऊद के बादशाह को होशाना, दाऊद के बेटे को होशाना, कितना किया था। और जब सलीब नारा निकला इनके फकीयों फरीसियों की तरफ से, सरदार कहन की तरफ से, ये हमारा बादशाह नहीं है, मत कहो कि ये यहूदियों का बादशाह है, इसके साथ क्या सलूक करें, उससे पूछा इससे के साथ क्या पहला तो उसने कहा मैं हम क्या इसके साथ सलूक करें क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाते, क्यों उसको करें। उन्होंने एक नहीं सुनी, उनके मुंह पे एक ही अल्फाज था, सलीब दे सलीब दे सलीब दे सलीब दे,
देखो कल उसको ऊंचा बना रहे थे, बादशाह बना रहे थे, आज उसको नीचा करो, उसकी इज्जत ये है। तो यही हमारे खानदानों में भी होता है, हम जिसको बड़ा बना लेते हैं, फिर कई ऐसे वक्त आते हैं जब उसकी दाढ़ी खींचते हैं, दाढ़ी के बाल नोचते हैं, उसकी पगड़ी शिम क्या कहते हो कुल्ला, उसका कुल्ला या उसको भी उतारने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा रवैया, ये है हमारा रवैया जो हम करते हैं अपने लोगों के, अपने बड़ों के साथ ये करते हैं। तो मसीह यसु ने पहले से कहा ये बात कि तुम खादम बनो, खिदमत करने वाले बनो, अक्कड़बाज नहीं बनो। हम अक्कड़बाज बनते, हमने हम कई दफा अपने ओदों का नजायज फायदा उठाते हैं, या कोई भी हो, पादरी हो तो वो भी कई दफा नजायज फायदा उठाता है, फादर हो तो वो भी नजायज फायदा उठाता है, बिशप हो तो वो भी नजायज फायदा उठाता है, अपने इख्तियार का, अपने इख्तियार का नजायज फायदा उठाते हैं हम लोग, और छोटे लोगों पर कई दफा जुल्म कर देते, बहुत जुल्म करते हैं। सेमिनरियन के अंदर, सेमिनरी के अंदर भी बहुत सारा दुख हमने देखा है, बहुत दुख देखा है कि कई बच्चे लास्ट ईयर पर होते हैं, आखिरी साल पर होते हैं, उनके फादर बनने का या पादरी बनने का वक्त आता है तो बिशप लिख देता है यू आर नॉट फिट फॉर दैट। अगर ये फिट फॉर नॉट दैट तो पहले थोड़ा सा उसको चेक तो करो, तुम इतनी जल्दी फैसला तो ना करो, नॉट फिट फॉर दैट। उसके 12 साल 14 साल आप वापस कर सकते, आप उसकी जवानी खा जाते हैं और उसके बाद वो बेचारा धक्के खाता फिरता है और शर्म के मारे, क्योंकि वो सेमिनरी से निकाल दिया गया, फादर नहीं बन सका, तो वो शर्म के मारे बाहर भी नहीं निकलते। अगर बाहर नहीं निकलते तो उसके पास फिर उनकी तालीम सिर्फ मजहबी होती है और उनको कारोबार भी कोई अच्छा नहीं मिलता, उनको नौकरी अच्छी नहीं मिलती। क्यों हम लोग ऐसा जुल्म करते? मसीह यसु ने तो कहा था मैं एक भी नहीं खोना चाहता, मैं नहीं चाहता मुझसे एक भी खोया जाए, और उसकी मिसाल उसने दी खोई हुई भेड़ की, वो एक के पीछे भी भागता गया, हालांकि वो खुद भेड़ जो है ना खुद निकली थी, इज्जड़ में से खुद निकली थी, गले में से खुद निकली थी, वो उसको वापस लाता, उसको वापस लाता। वापस कैसे लाता है ये भी थोड़ा सा समझ लें, आज के दिन कैसे हम लीडर हैं और कैसा लीडर बनना चाहते हैं और कैसा लीडर बनाना चाहिए हमें। मसीह यसु लीडर है, देखो क्या कर रहा है, भेड़ खो गई है, अपनी भेड़ों को छोड़ा, 99 को छोड़ा और एक के पीछे गया। जब वो पीछे गया वो भेड़ किधर होगी? हो सकता है, हम प्रिज्यूम करते हैं, हो सकता है वो किसी झाड़ी में अटक गई हो, उसके सींग फंस गए, और उस झाड़ी में से यसु कैसे निकालता होगा, उसके हाथों को कांटे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, वो टहनियां तोड़ता होगा, कितने जतन करता होगा कि फिर वो उसमें से निकालता होगा, या अगर किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई हो, बकरी के लिए आसान है चढ़ना, चार पांव थे चढ़ना आसान है, लेकिन ऐसी पहाड़ी हो उसके ऊपर वो चढ़ जाए, कई दफा हम जब पिंडी की तरफ जाते हैं या दूसरे पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो भेड़ बकरियों को देखते हैं वो कैसे कैसी चोटी पर पहुंची होती हैं, अगर वो चली जाए उधर और वो भेड़ उधर चली गई हो तो यसु कैसे जाता होगा? वहां कोई सड़क तो नहीं थी कि वो सीधा सीधा चलता गया होगा, उसके लिए भी उसको परेशानी हुई होगी, उसको पकड़ना चढ़ना पत्थरों के साथ लड़ना, पांव फिसल सकता है, हाथ फिसल सकता है, चोट नीचे गिर सकता था, चोट लग सकती थी, लेकिन वो गया, ये चोटे खाता वो भी गया, प्यास लगी थी फिर भी गया, उसने अपनी रोटी की नहीं, अपनी प्यास का फिक्र नहीं किया, उसने अपनी भेड़ का फिक्र किया,
कि पहले मैं उसको बचाऊं। तो हमें भी ऐसा चाहिए कि हमारी भेड़ अगर कोई परेशान हो, दुखी में हो, तो पहले हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। मसीह यीशु ये नमूने सिखाता है, और यही नमूना आज उसने हमें सिखाया है कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो ये देखो, मैंने तुम्हें एक अमल सिखाया है, पांव धो दो। पांव धोने से मुराद यह है कि तुम गुलाम नौकर की तरह रहो, तुम अपने आप को इतना बड़ा ना बनो, तुम ये चीज करो। आज हम बैठे हैं एक इस हवाले को लेकर, आगे लिखा है तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। ये आज सबक मेरे लिए भी है, आपके लिए। तुम एक दूसरे के पांव धोया करो, क्या मतलब? तुम एक दूसरे की खिदमत किया करो। पांव धो के तो बाद क्या चाचा इधर आना, मैं तेरी जरब थे देखा सही, ये नहीं। या बड़े भाई के साथ ऐसे ही वाकई चर्च में पांव धोने शुरू कर दिए, या आपस में जैसे पांव धोते हैं आप, तो बाद चक मैं उतना तो बोलते नहीं, तो मुझे फादर ने उतने कुर्सी डा दी सी, या बिशप ने डा दी, तो मैं पैर धोले, वरना मेरा तो दिल ही नहीं सी करता उसके पैर धोन दे। मैं नहीं इसनू की समझना वा, समझ आई? तो खुदावंद ये तकब्बर आप के अंदर से मिटाना चाह रहा था, ये गुरूर मिटाना चाह रहा था, आपकी अना को मिटाना चाह रहा था। ये सबक उसने आपको सिखाया है, ये सबक उसने सिखाया है कि तुम एक दूसरे के पांव, एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे से प्यार करो। ये है आज का मैसेज, ये है आपका पैगाम कि जब हम पांव धोने की रस्म करते हैं तो ये सबक सीखें। मसीह यीशु ये हमें सिखाने आया है, और मुझे उम्मीद है कि हर साल हम रस्म तो करते रहते हैं, चर्चों भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से कदूरत खत्म नहीं करते, अंदर से कदूरत खत्म नहीं करते। जिस दिन ये कदूरत खत्म होगी, चाहे वो किसी सतह पे भी हो, बरादरी घराने की सतह पर हो, बरादरी की सतह पर हो, शहर की सतह पर हो, मुल्क की सतह पर हो, जब तक हमारे अंदर से कदूरत खत्म नहीं होगी, या ये इस चर्च के अंदर ले लो, फादरों के अंदर ले लो, पादरियों के अंदर ले लो, पास्टरों के अंदर ले लो, जब तक हमारे अंदर से कदूरत खत्म नहीं होगी, आज का ये नमूना हम नहीं ले सकते, जो कि यीशु मसीह ने कहा है कि ये मैंने तुम्हें नमूना दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। कई बातें तालीमें होती हैं, लेकिन ये नमूना है, ये यीशु ने आपको पैटर्न दिया है, और इस पैटर्न को अपनाने के लिए कहा है उसने, अमल के लिए कहा है उसने कि तुम इस पर अमल करो। तो खुदा मुझे और आप सबको आज इस बात पर कायम करने की हिम्मत दे, इस बात पर कायम करने की हिम्मत दे। क्या कायम करने की? जैसा मैंने नमूना, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो, एक दूसरे के पांव धोया करो, एक दूसरे की इज्जत और कदर किया करो, और एक दूसरे को बर्दाश्त किया करो, और एक दूसरे के साथ हमदर्दी किया करो। ये आज नमूना दिया है खुदावंद ने, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का, एक दूसरे को कबूल करने का, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का नहीं, कबूल करने का नमूना दिया है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।